हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज मी जॉयदीप. और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड यस, सो आज का ब्लॉग जो है वो काफी रैंडम होने वाला है, बिकॉज आज हम जा रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त, हम लोग जा रहे हैं मर्दानी 2 देखने. I've always been a die-hard fan of Rani Mukerji, and the trailer looks really, really promising, which is very much relevant these days. So yes, first day, first show. घर के सामने का PVR का show start होता है 8:30 बजे का. तो अभी सुबह के 6 बजे है और मैं थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ ऑफिस का काम करके. आज मैं सेकेंड हाफ में ऑफिस जाऊंगा. So yes, so that is the scene for today, and I'll be covering the vlog. I'll be giving you a review about Mardani 2 कि कैसा लगा. और आई वोंट बी बायस्ड ऑफ कोर्स, बट यस, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, बिकॉज मैंने ये बुकिंग शायद 10 दिन पहले कर रखा था और प्री बुकिंग थी. तो यस, सो दैट्स व्हाई आज हम जा रहे हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग ही बना लूँ इस बात पे, ठीक है ना. सो आप लोग तैयार हो मेरे सब मूवी देखने के लिए और रिव्यूज जाने के लिए, तो आ जाओ. संभावना सेठ से कॉपी पेस्ट रहेंगे. आज पूरे जैन मैम, जैन क्या चल रहा है? मैंने सब कंट्रोल में है. ये कंट्रोल में है. ये डीवा एसपी साहब यहाँ काम करने, यहाँ से घसीट के लेके गया हूँ. सर ऐसा सामने आपके पड़ गई तेरी, हाँ नाम ले दिया मेरा. मैं क्या करता साहब, आप दो पार्टों के बीच में पिसरा ही है रावत. तो देखो क्या ड्रामा लगा रखा है. लेडीज लोग की प्रॉब्लम है, काम 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 करने की आंख नहीं ज्यादा. अरे एक तो लेडीज, ऊपर से जात की भी. अरे यहाँ हम सब पता लगा के बैठे हैं, बेकार का टाइम बर्बाद कर रही है. पता लगा भी ले आप? टाइम नहीं है मेरे पास. तो मैं भी सीधे मुद्दे पे आ जाता हूँ. अगर ऐसी खबर मैं ऐसे ही खुले में बांटता रहा तो अगली सुबह ही मेरे नाम भी निकलेगी. Done with the movie. Trust me, it will take some time to compose yourself after watching this movie, and आपको time लगेगा आपके दिमाग को शांत करने में after watching this movie. I just got back after watching the movie, और जैसे कि आप लोगों ने मेरा initial reaction देखा था just after watching the movie, कैसा था? I was completely in awe of it, and right now also it is moving on somewhere in my head, and yeah, so the कहानी जो है इस picture की वो ऐसा ही है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमारे चारों ओर क्या चल रहा है, असल में क्या चल रहा है, and what is happening with the girls around. एंड इस फिल्म को देखने के लिए एक सेंसिटिव हार्ट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आई वुड सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड सेंसिटिव हार्ट, बिकॉज द मूवी इज नॉट फॉर द वीक सोल्स. इट इज नॉट एट ऑल फॉर द वीक सोल्स, क्योंकि जो इन फ्यू ऑफ द सीन्स में जो दिखाया गया है इस पिक्चर में, जो वॉयलेंट सीन्स है, वो शायद हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ के या न्यूज़ में इतनी सारी चीज़ें देख के भी हम लोग नहीं समझ पाते, जो इस पिक्चर में बिल्कुल ही क्लियरली बताया गया है कि व्हाट हैपेंस विद द विक्टिम्स, यू नो व्हाट हैपेंस. और आप मूवी देखोगे तो आपके रोंगटे ऑटोमेटिकली खड़े हो जाएंगे इफ यू आर अ सेंसिटिव पर्सन.
बिकॉज मूवी ऐसा ही है, कंप्लीट मूवी ऐसी है और बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी. आई मीन रानी की परफॉर्मेंस, आई बीइंग अ डाई हार्ड फैन ऑफ हर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं तो बस इतना बोलूंगा कि उन्होंने बाय फार द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है अपने करियर का. और साइमल्टेनियसली आई वुड लाइक टू से दैट जो बंदा जो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है इस मूवी में, जो विलेन है, मेन एंटागनिस्ट है, विशाल करके कुछ है, और ही वॉज फैब्यूलस. इनफैक्ट रानी से ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग्स उस बंदे का है, एंड ही वॉज एब्सोल्यूटली अ डिलाइट टू वॉच. आई मीन आप उस बंदे को लिटरली हेट करोगे फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट. और जो दे दे बाबा अल्लाह के नाम दे दे, हाँ बाबा दे दे खाएंगे. जब किसी टाइम आदमी बहुत खा ले वे, तो ऐसा लगे जैसे आज पूरे दिन भूख ना लगने की. He was fabulous and in fact आपको कई सारे सीन्स में तो ऐसा लगेगा कि you literally hate him to the core and वो आएगा, वो hatred उसके लिए ना वो आ जाएगा सबके माइंड में. और एंड में जब रानी बेल्ट निकाल के उसको पेलती है literally, everybody was cheering that scene and that scene was terrific. It was really really terrific. I literally had my goosebumps then and I saw few people weeping, literally weeping in the hall wo scene ko dekh ke jo end ka concluding scene hai. It was terrific. Such a great movie to watch, such a delight to watch Rani Mukerji on screen after a long time, after Hitchki to. It is such a great movie to watch, such a great. And in fact I end mein main bas itna hi kehna chahta hu ki ab 27 ko Dabang 3 release hone wali hai, which gonna be a very entertaining film in fact. But you know aise filmon ko jo ki sensitive hai, aise filmon ko jo hamare realistic ek society ko portray kar rahi hai, unko hame hi chances dena chahiye jo wo acha अच्छी कर पाए वो मूवीज. हमें देखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा. और शायद इस फिल्म को देखने के बाद आपको आपके चारों और चीजों के रिगार्डिंग आपकी सेंसिटिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतना तो मैं कह सकता हूं. और आई जस्ट होप कि ये मूवी चल जाए, जैसे इसकी रिव्यूज भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छी रिव्यूज जा रहे हैं. आज फर्स्ट डे था तो आई होप कि अच्छा बिजनेस करे ये मूवी, क्योंकि बनता है बहुत ही ज्यादा. So yes, now I conclude my this vlog on Mardani 2, and it's kind of a review actually. It's kind of a review of a movie, and I've been waiting for this movie for quite a long time now. And आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please do like, comment and subscribe to my channel. Do give it a thumbs up and share it amongst friends and family. And till the next time we meet, please do take good care of yourself. और हाँ एक और बात, मनाली का सेकंड ब्लॉग बहुत जल्द आ रहा है. यो 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 बाय, टेक केयर.